हेलो लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज कुदरत कौर और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ बट एक्ने के ऊपर। बहुत सारे लोग जो है वो बट एक्ने से जो है वो परेशान होते हैं। कई बार वो ऐसी जगह पर होते हैं कि वो इचिंग भी नहीं कर पाते हैं। कई बार हम ऐसी जगह पर बैठे होते हैं कि ये बट एक्ने हमें बड़े परेशान करते हैं। तो ये बट एक्ने क्यों होते हैं, इनका क्या रीज़न है और आपको किन चीजों का ध्यान रखना है ताकि आप बट एक्ने से जो है वो छुटकारा पा सकें, ठीक है जी, निजात पा सकें। तो पूरी डिटेल में इसके बारे में जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रेड बटन को प्रेस कर लीजिएगा और उसके बाद जो बेल बटन आता है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मेरी वीडियो के आपसे मिस ना हो। तो बात करते हैं बट एक्ने। बट एक्ने जो होते हैं ना वो नॉर्मल एक्ने की तरह नहीं होते हैं। नॉर्मल जैसे हमारे फेस पर एक्ने वगैरह होते हैं इस तरीके के नहीं होते हैं, बट एक्ने के जैसे लगते हैं, तो इसलिए इनको जो है वो एक्ने कहा जाता है। बेसिकली ये क्यों होते हैं कि जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं, क्योंकि हमारे पूरी बॉडी पर जो है वो हेयर होते हैं, किसी के थिक होते हैं, किसी के कम होते हैं, किसी के ज्यादा होते हैं, लेकिन हमारी सभी की पूरी बॉडी पर है। हमारी बॉडी के कौन से पार्ट हैं जिसमें हेयर नहीं होते हैं, वो है हमारी पाम या पैरों के नीचे, जो हमारी सोल है ना पैरों की, वहां पर सिर्फ बाल नहीं होते हैं, बाकी हमारे पूरी बॉडी पर जो है वो हेयर जरूर होते हैं। तो जो बट पर हेयर होते हैं ना, उनकी जो फॉलिकल्स होते हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से रेड दाने बनने स्टार्ट हो जाते हैं या पस वाले दाने जो है वो बन जाते हैं। इनको पॉप करना भी डिफिकल्ट होता है और ये हमें बड़ा परेशान करते हैं, उठने बैठने में परेशान करते हैं। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप को स्वेट से जो है वो दूर रखना है, ठीक है जी। कई लोगों को बहुत ज्यादा जो है वो स्वेटिंग होती है, तो आप अपनी स्वेट को जो है वो ड्राई रखें, ठीक है जी। अगर आप वर्कआउट करते हैं, वैसे भी अब ठंड स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन वर्कआउट करने से हमें तभी पसीना आता है। तो आप जब भी जो है वो वर्कआउट वगैरह करके आए तो सीधा आप अपने शावर में जाएं, ठीक है जी, नहा लें। अगर आप नहा नहीं सकते या नहीं नहाना चाहते फुल बॉडी, तो आप अपने बट एरिया को जो है वो वाइप से क्लीन कर लें या उनको उस एरिया को जो है वो वॉश कर लें, ताकि जो आपका पसीना है आपके पोर्स पर, हेयर फॉलिकल्स पर जो है वो वहीं पर ड्राई ना हो। अगर वो वहीं पर ड्राई होगा तो आपके जो रेड दाने हैं, पिंपल है, एक्ने है, वहीं से ही पॉप होना जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। तो आपको स्वेटिंग से जो है वो अपने आप को बचा के रखना है। और दूसरी बात ये है कि आप अगर ऐसा काम करते हैं कि जहां पर आपको सारा दिन जो है वो बैठकर काम करना होता है, तो इससे भी आप बचिए। बचिए, काम तो नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि थोड़ा चल फिर लें या थोड़ी देर खड़े हो जाएं, क्योंकि वो जो फ्रिक्शन होती है ना, और हमारे हेयर फॉलिकल्स की बैठने से जो फ्रिक्शन होती है ना, उसकी वजह से भी जो बम्प्स हैं वो जो है निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप अपने बट्स को जो है वो शेव करते हैं, तो आप कोशिश करें जो शेवटी है ना, या जो भी आप हेयर रिमूव करने के लिए यूज करते हैं, शेवटी, शेवर जो भी है, उसको 2 या 3 ब्लेड्स उसके जो है वो होने चाहिए। आपको क्या करना है, जब भी आप शेव करें ना, तो आपको ऑपोजिट नहीं करना है, जिस टाइप पे वो फॉल हो रहे हैं ना, नीचे की तरफ जा रहे हैं, उस साइड को ऐसे कि इसे आपको इस तरीके से आपको शेव करना है। ऑपोजिट आपको रेजर जो है वो यूज नहीं करना है। और जो शेविंग क्रीम है आपकी, एम्पल शेविंग क्रीम होनी चाहिए और एज वेल एज वो लुब्रिकेंट भी होनी चाहिए, जो भी आप शेविंग क्रीम शेव करने के लिए जो है वो यूज करते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि जो आपके अंडर गार्मेंट्स है ना, उनको आपको रेगुलरली जो है वो चेंज करना है, क्योंकि उसकी जो डर्ट होती है, ऑयल वगैरह होते हैं, वो भी जो हेयर फॉलिकल्स हैं उन पर इफेक्ट करते हैं, उनको टारगेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो है बट एक्ने जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। और कोशिश करें कि आप अगर 2 बार दिन में नहाते हैं तो 2 बार ही आप अपने जो अंडर गार्मेंट्स हैं ना उनको जरूर जो है वो चेंज करें, अपने अंडरवियर, आई मीन कि अंडरवियर जो है आपका, उसको 2 बार ही चेंज कीजिएगा। इससे भी आप जो बट इन्फेक्शन है, बट एक्ने है, उससे अपना बचाव जो है वो कर पाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो है, आपको कोई भी टाइट कपड़े नहीं पहने हैं, जैसे लेगिंग वगैरह, टाइट्स वगैरह हम लोग पहन लेते हैं। अगर आपको बट एक्ने की प्रॉब्लम होती है तो ऐसे कपड़े आप ना पहने, लूज कपड़े पहनने की आप कोशिश करें, जिससे आपके जो है इस फ्रिक्शन से, क्योंकि टाइट कपड़े होंगे तो फिर से हमारे जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनमें फ्रिक्शन पैदा होगी, जिसकी वजह से उनमें इन्फेक्शन स्टार्ट होगी और हमारे जो बट एक्ने हैं वो स्टार्ट होने लगेंगे, ठीक है जी। तो कोशिश करें आप लूज कपड़े पहने, ठीक है जी। उसके बाद जो अगर आप फैब्रिक सॉफ्टनर वगैरह जो है वो यूज करते हैं, उनको भी आप थोड़े टाइम के लिए जो है वो अवॉइड कर दें। और इसके लिए आप टी ट्री ऑयल जो होता है उसका भी यूज जो है वो कर सकते हैं।
इससे बचने के लिए अगर आपके पास ऐसा प्रोडक्ट है, क्लींजर है जो आप अपने फेस के लिए ऑलरेडी एक्ने के लिए यूज़ करते हैं जिसमें बेंजोइल पेरोक्साइड है, तो भी आप उसके साथ अपने बट्स को भी जो है वो क्लींज कर सकते हैं। अगर आपके पास न्यूट्रोजीना का है एक्ने क्लियर स्टबन एक्ने क्लींजर, मैंने उसका रिव्यू किया है लास्ट वीडियो में ही, लेकिन वैसे स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, तो अगर आप वो अफोर्ड कर सकते हैं तो आप वो भी ले लीजिएगा। इट इज़ वेरी इफेक्टिव एंड वेरी हेल्पफुल। ठीक है जी, तो ये थी गाइज आज की वीडियो बट एक्ने के ऊपर कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। और आगे की वीडियो में मैं और भी इसी को कंटिन्यू करती हुई आपके साथ शेयर करूंगी और DIY भी आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर आप इतने महंगे प्रोडक्ट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो घर की चीज़ों के साथ आप अपने बट एक्ने जो है उनको कैसे ट्रीट करें। ठीक है जी, तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और शेयर कर दें मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।